ईरान का एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में ड्यूटी दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस दरबार से पूछने लगा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लगती है जनाब, मगर क्या करूँ, गर्म वर्दी मेरे पास नहीं है, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह ने जवाब दिया, मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना कोई गर्म जोड़ा भेजता हूँ। दरबार ने खुश होकर बादशाह को फर्शी सलाम किए और बहुत शुक्रिया का इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल के गर्म कमरे में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसके पंज बस्ता उंगलियों से लिखी गई ये तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इसी तरह उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बलबूते पर जीना शुरू कीजिए, खुदारा सहारों के बगैर अपनी ताकत को आजमाएं, क्योंकि देने वाला कभी कभी आपकी अपनी बसाखियों को भी छीन लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।